वेलकम बैक नाज़रीन, एंड अगेन सरप्राइज़। और ये जो हमारे बाल जो पहले लगे हुए थे, जो वो पसंद नहीं आया हमारे डायरेक्टर साहब को, उन्होंने कहा आप चेंज करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं ठक ठुक ठक की और मैं चेंज होगी, देखें। और आई होप ये ज़्यादा यू नो नहीं, ये भी चेंज कम्फर्टेबल हो है। सकते हैं। ये भी चेंज हो सकता है, आप वाह एक और ब्रेक का वेट करें, मैं एक और दफ़ा चेंज करूँ, मसला कोई नहीं। आप ब्रेक देते रहे, मैं चेंज करती रहूँगी। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहबा, कहाँ से? मैं फखरुन्निसा बात कर रही हूँ, रोज कराची ओ है से। डॉक्टर फखरुन्निसा, कैसी हैं आप? बेटे को मिस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कासिम खैरियत से पहुंच गया ना? जी सर, कासिम आपकी दुआओं से पहुंच गया चले खैरियत से। और ये कॉइन बॉक्स देख के मुझे याद आया कि मैं दोबारा आपको थैंक यू कहूँ। आपने उसको 9th क्लास में जब वो था, तो आपने गिफ्ट किया था उसको कॉइन बॉक्स हायर एजुकेशन के लिए। वही भूल गया, क्या तो सर वो कल बात, पहुंच गया, वो चला गया, आज पहुंच गया। लंदन तो गया ना फिर वो, हाँ, लंदन गया। लंदन गया हाँ है, हाँ लंदन गया है वो, आज स्कूल हाँ भी आ गया उसका, खैरियत से पहुंच गया। तो ये हाँ 9th क्लास में आपने सर उसको गिफ्ट किया था, वो गिफ्ट देखिए हम दुआओं की तरह आपका साथ अरे है। कॉइन बॉक्स काम। अच्छा आप ये कीजिएगा, उस कॉइन बॉक्स में जितना सामान है ना, जितना माल रखा है, पैसा वैसा सब खैरात कर दीजिएगा। जी सर, असल में अच्छा सर, आपने फसीहा को भी गिफ्ट किया था उस वक्त में, लेकिन वो हाँ तो क्लास 3 में थी, उसने बनवाया था डिज्नीलैंड जाने के लिए। हाँ अब और दूसरा ये कि वो उस हायर एजुकेशन के लिए उसके लिए बनवाना तो है, लेकिन क्या वही काम करेगा? और दूसरा ये कि फसीहा का नाम हमने फसीहा बतूल से फसीहा जाहरा कर दिया है। ओए अच्छा, तो फिर ठीक है, चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा सर, उन्होंने कहा इसको जाहरा कर दें, तो हमने हाँ अब ज़ारा कर दें, जाहरा कर ठीक है दिया। चेंज होगा। और मैं आपको बताऊं कि अब देखें, आप कनेक्शन देखें, बेटा आपका लंदन में, वहाँ जी 2-3 साल के बाद वो इस काबिल होगा, मतलब एजुकेशन भी होगी, पॉसिबल है आप लोग उसे मिलने जाएं, हो सकता है वहाँ से आप लोग डिज्नी वर्ल्ड देखने जाएं। तो वो तो फसिया के लिए होगा ही, हो गया लेकिन ही अब होगा, कुछ हो गया ही होगा, हाँ होगा ही बट चाला। नाम चेंज कर दिया अच्छा तो थोड़ा कॉइन बॉक्स भी चेंज करना पड़ेगा उसका। सही सर, तो फिर उसको आप अभी देंगे नहीं, बाद में? आप तो अब भाई डॉक्टर आप फखरुल हमारी साहब, पहली फैकल्टी बात में अब मैं आपको बताती हूँ है कौन। ये है हमारी थेरेपिस्ट कासिम, जिनकी हम बात कर रहे हैं। वो हमारा था वॉलंटियर, बेस्ट वॉलंटियर, यंगेस्ट वॉलंटियर द इंस्टीट्यूट एवर हैड, एंड यू नो द डेडिकेटेड वन। वो चला गया बेचारा, अब हमें छोड़, बेचारा तो नहीं, खैर वो हमें छोड़ के चला गया लंदन। अब वो लंदन चला गया, तब डॉक्टर फखरुल साहब ने दूसरी बेटी के कॉइन बॉक्स की बात की, तो आप थर्सडे लेक्चर में आके बनवा लीजिएगा, सही है। ठीक है? एंड वी ठीक है लव सर, कासिम, एंड वी लव ऑल ऑफ यू। मुझे तो इसको थैंक यू कहना था, और मैंने कहा ये तो इससे बड़ी बात है नहीं कि मैं इसको शेयर करूं कि किस तरह से काम किया है इसने। वाकई चलिए माशाल्लाह, अमेजिंग, माशाल्लाह, साहब थैंक यू। शुक्रिया। चलिए डॉक्टर फखरुन्निसा का कॉइन बॉक्स काम कर गया। डॉक्टर फखरुन्निसा के जो दो बेटे, एक बेटा और एक बेटी, उन्होंने कॉइन बॉक्स रखवाया था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फसिया भी डिज्नीलैंड जाएगी और डिज्नीलैंड देखेगी इंशाल्लाह। और जाके मुझे अगर देखेगी। तुम भूली ना, तो फिर तुम देखना। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा, कहाँ से? हाँ, फहमीदा बात कर रही हूँ, यहाँ कराची जी से। फहमीदा साहबा, कहिए कि आप हाँ कॉइन बॉक्स मुझे, बनवाना चाह रही हैं। जी मुझे भी कॉइन बॉक्स बनवाना डेट ऑफ है। बर्थ आपकी? 1966, डेट ऑफ बर्थ लिखे ना आप, तुम बैठी लिखो है। ना, मैं फोर्थ कैलकुलेशन सितंबर करूँ। 1966, फोर्थ सितंबर 1966, हाँ, टाइम ऑफ बर्थ? 7 बजे सुबह का, ओके। प्लेस ऑफ और बर्थ? कोटरी, कोटरी, सिंध? हैदराबाद के बराबर में, हैदराबाद के सिंध, साथ ही है, कोटरी सिंध, ठीक है। अच्छा जी, आपका मदर्स नेम? अदाली अबाली। जी, स्पेलिंग ए बताएंगे डी आप? ए एल आई, ए बी, ए डी ए एल आई। ओके अबाली। और आपकी ख्वाहिश क्या है? मेरी वो ना शादी नहीं हुई है उसके ओके लिए। मैरिज के लिए, ठीक है जी। आपको कोई मतलब पर्टिकुलर किसी शख्स से मैरिज करनी है, कि आप सिर्फ शादी करना चाह रही हैं? हाँ, मैं शादी करना चाह रही हूँ, सिर्फ शादी। चले थैंक यू हाँ सो कोई। मच, हाँ थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अभी हम आपको बता देते हैं, मुझे अपना प्लीज़ नाम एक दफ़ा फिर से बता दीजिएगा। फहमीदा, फहमीदा, FHMID है। ठीक है। थैंक यू सो मच फहमीदा साहब, और आपको हम अभी आपका कॉइन बॉक्स की डिटेल दे देते हैं। थैंक यू सो मच लिख जी। लो रूज, आप फहमीदा, आप, नहीं, आप इससे पहले वाले का आपने नहीं बताया अभी अच्छा तक। वो रह गया, उसमें लिखा हुआ मेरे ख्याल में, मैंने मैंने बता दिया था, मनान, मनान था ना, मनान, मनाल के बाद एक और एक और दसमल भी का हो था, हाँ वो भी गया, कह दिया था, मनाल का भी हो गया। मनान का भी हो गया। चले जी, अब फहमीदा अच्छा साहिबा जी का है फहमीदा हमारे साथ। साहिबा, आप डायरेक्शन आपकी होगी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी, और टाइम आपका होगा, इनका टाइम ऑफ बर्थ क्या था? 7 AM, 7 AM, रात को 8 बजे आपका टाइम होगा, 8 से 8:15, 8:30 भी कर सकती है, ऑल्टरनेट डेज पे कर ले, यानी अगर मंडे कर सकती है तो वेडनेसडे कर सकती है, तो फ्राइडे कर सकती है, ठीक है। कोई भी जिस दिन आप भी, करें, काम करें, मंडे या वेडनेसडे मंडे या वेडनेसडे या फ्राइडे, या फ्राइडे,
इन तीनों में से किसी एक दिन भी आप चाहें तो अपना कॉइन बॉक्स रख सकती हैं। साउथ वेस्ट आपकी डायरेक्शन है और रात के 8 बजे आपको रखना होगा। टाइम का ख्याल रखिएगा, दिन ऑल्टरनेट में से कोई भी एक हो सकता है, और डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, साउथ वेस्ट की होनी चाहिए। और मैरिज के लिए क्या करना है ये भी हम डॉक्टर मोहित से जानते हैं। अच्छा सही सर, आप मुझे एक बात बताएं कि हमने तो कॉइन बोल रख दिया, शीशे का एक बोल लेंगे हम पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे? सामान भी निकालू ना। देखिए जी, आप पहले लेंगे कॉइन बॉल, ठीक है? कॉइन बॉल लेने के बाद, यानी बॉल लेंगे आप अच्छा सा शीशे का, जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की रेजगारी, यानी मेटल बड़ा जरूरी है, ठीक है? मेटल की, अच्छा जी, जिस भी आप मुल्क में रहते हैं, फॉर एग्जांपल राइट नाउ नॉट द प्लेस ऑफ योर बर्थ बट द रेजिडेंट सिटी और कंट्री दैट यू आर इन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी पैसे होंगे, दुबई में तो दुबई के होंगे, और यूके में तो पाउंड डालेंगे, तो दिरहम पाउंड जो भी आपकी करेंसी पहले आप वो डालेंगे। कॉइन अगर उसका हो तो ज्यादा बेहतर है, कॉइन्स होने चाहिए, उस करेंसी की कॉइन्स होने चाहिए, ठीक है? पहले थोड़ा मेटल डाल दें, पाकिस्तान में तो लेट से फॉर एग्जाम्पल 200-250 रुपए के आप 5-5 रुपए के कॉइन डाल दें, ठीक है? उसके बाद उसी मुल्क की करेंसी, ठीक है, नोट, तो नोट में आप 10-10 रुपए के एक डाल दें, एक 100 का डाल दें, एक 50 का डाल दें, 500 रुपए के नोट डाल दें तकरीबन आपने डाल दिए। उसके बाद आप ये करेंगी कि जैसे आपको शादी की ख्वाहिश है, तो मैंने तो एक तो कहा था आपसे कि अल्लाह से दुआ करना आपने कि जो मेरी ख्वाहिश है वो मेरे लिए बेहतर हो। तो शादी के लिए कोई ऐसी तस्वीर आपने ढूंढनी होगी, ज़रूरी नहीं कि आपकी हो। मिसाल के तौर पर ये देख लें जी, ये है वेडिंग रिंग, ठीक है ना? वेडिंग रिंग की तस्वीर लेकर आपने उसके ऊपर रख देनी है, उन पैसों के ऊपर। और वेडिंग रिंग के अलावा आपकी वेडिंग की कोई किसी की शादी आपने देखी जिसको आप आइडलाइज करते हैं, या मैगजीन में से कोई कपल की फोटोग्राफ या शादी की फोटोग्राफ, तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो पहले कॉइंस, उसके बाद नोट्स, उसके बाद जो आपकी ख्वाहिश है वो रख दी। अच्छा ख्वाहिशों के अंदर, ख्वाहिशात के अंदर, ख्वाहिशों अच्छा ख्वाहिशात के अंदर जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रेवलिंग है, ट्रेवलिंग टू यूएस फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूएस जाने का शौक है तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उनका एक लैंडमार्क है, ठीक है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की आपने तस्वीर, फ्लैग भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पैसा अट्रैक्ट करना है, सिर्फ पैसा, तो ये पैसों की बहुत सारी तस्वीरें, 4-6 तस्वीरें डाल दी, ठीक है ना? और एजुकेशन, हायर एजुकेशन, जैसे अभी हमारा गया है कासिम गया है, ये हायर एजुकेशन की तस्वीर हो गई आपके पास, ठीक है? औलाद नहीं हो रही, अल्लाह ताला आपको औलाद अता करे, ये औलाद की तस्वीर हो गई इस तरह की। अच्छा, इसी तरह ट्रैवलिंग, वैसी ट्रैवलिंग के आपको शौक है, कोई पर्टिकुलर मुल्क नहीं, ट्रैवलिंग का शौक है, हवाई जहाज आएगा पर्टिकुलर मुल्क, तो उस मुल्क का या लैंडमार्क या तो फिर उस मुल्क का फ्लैग जो था उसकी पिक्चर आ। और अगर आपका किराए का घर है और आप चाहते हैं कि परवरदिगार आपको अपना घर दे, तो फिर एक घर की तस्वीर डाल दें, ठीक है? कहीं भी हो, और ये तस्वीरें आपको निकालनी होगी, ढूंढनी होगी, जो तस्वीर सबसे अच्छी लगे वो आप डालेंगे। उसके बाद जो आप काम करेंगे वो, आप एक हॉर्स शू मैग्नेट होता है, मैंने अभी दिखाई थी तस्वीर, हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है, हॉर्स शू मैग्नेट बेसिकली यू शेप का होता है, इस तरह का, ठीक है? वो मैग्नेट इसके ऊपर रखेंगे, और जो मैग्नेट की दो टांगे हैं उसको उस डायरेक्शन में रखेंगे जो मैं और उरूज आपको बता रहे हैं। जब बॉल तैयार होगी, आप जैसे उरूज ने कहा सुबह 2 बजे आपने रखना है, बुध के दिन रखना है और साउथ वेस्ट रखना है, तो आप 1:30 बजे उठ जाएं, बॉल तैयार है, जैसे ही 2 बजे आपने देख लिया ये डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में कोई छोटा सा टेबल रख ले या सेंट्रल टेबल हो कुछ भी, उसके ऊपर आपने कॉइन बॉक्स रख देना है, डायरेक्शन मैग्नेट, और कॉइन बॉक्स को ऊपर से ढकना नहीं है। उसके बाद रेगुलरली क्या करना है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात बताएं कि जो कॉइन बॉल है तो हम लोग किसी खास डायरेक्शन में रखना पड़ता है। एक तो आपने बता दिया कि मैग्नेट की खास डायरेक्शन होगी, लेकिन कोई ऐसी हम कबर्ट वगैरह में रख सकते हैं या? अच्छा, अंदर नहीं रख सकते इसका, इसकी जो कमाल है वो ये है कि ये ऐसी जगह हो जहाँ आप भी, आपकी नज़र बेख्तियार पड़े, हो कोई मेहमान आए बेसाख्ता पड़े, और कोई मेहमान आए वो भी देख के पूछे कि क्या है, ठीक है? ये बहुत जरूरी है, ठीक है? कुछ लोग शर्माते हैं कि पता नहीं हम कैसे रखें, किसी को फिक्र होती है मासी इसमें से पैसे तो नहीं ले जाएगी। अगर ये हो कोई पैसे निकाल ले अंदर से, तो अगर देखे आपको पता हो तो आप वो पैसा वापस डाले, नहीं पता तो वो जाने जिसने गलती की। अच्छा, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले आपसे कॉइन बॉक्स मनी माइंड की जो हमारी वर्कशॉप थी उसमें मिलवाया था, तो वो समझते थे कोई ऐसा, वो शायद उनके सुनने में या समझने में कमी रह गई होगी, वो उसमें से पैसे जमा करके खुद ही खर्च कर देते। नहीं, ये नहीं होगा। नाजरीन, करना ही होगा कि जब ये कॉइन बॉक्स आपने उस टाइम पे रख दिया, उस डायरेक्शन में, डायरेक्शन में रख दिया, उस टाइम पे उस दिन रख दिया दुआ के साथ, और मैं तो चाहूंगा कि दुरूद पढ़ के अल्लाह तआला से दुआ करके रख लें आप। अब उसके बाद जब कभी आपकी जेब में खुले पैसे हो, रेजगारी जिसको कहते हैं, वो मैग्नेट के ऊपर आपने रखा, ठीक है? अब 10-12 दिन के बाद आपको लगे कि मैग्नेट के ऊपर वो रेजगारी या खुले पैसे 5-10-50 रुपए से जमा हो गए, तो आपने मुट्ठी भर कर वो पैसे, मैग्नेट के नीचे की किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, मैग्नेट से ऊपर जितने पैसे हैं वो उठा के फिर आप खैरात कर दें।
ये रूटीन में रखें, जब ये भर जाए, मैं तो कहता हूं जब यहां तक भर जाए मुट्ठी भर के आप फिर खैरात दे दे, फिर खैरात दे दे, यू कीप ऑन डूइंग इट। ये खुद ब खुद ऐसी सिचुएशंस, ऐसे इवेंट्स, ऐसे लोग, ऐसे सर्कमस्टांसेस आपकी जिंदगी में लाएगा कि जो तस्वीर आपने रखी है मैग्नेट के नीचे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। चले, हम अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप तो वो हासिल करेंगे करेंगे, लेकिन हमारे पास एक ब्रेक आ गया, चाहते हुए या ना चाहते हुए ब्रेक तो आता ही है, तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मुइज लाउंज, उसके बाद कॉल भी करिएगा क्योंकि कॉइन बॉक्स फिर आज का आज और कल के दिन ही बनेगा, और उसके बाद फिर आपको हम नहीं बना के देंगे, सो कीप वॉचिंग।